नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख बोल रही हूं। शुरुआत करेंगे आपको सीधा लिया चलते विधानसभा, जहां पर सदन में कार्यवाही लगातार जारी है। रिपोर्ट आई है उसमें 10 राज्यों में आखिरी नंबर पर रहा हरियाणा। ये दिसंबर की रिपोर्ट है, आखिरी नंबर पर हरियाणा रहा। पब्लिक सेफ्टी के बारे में कहा है, पब्लिक सेफ्टी नहीं है। हेल्थ में कहा गया, हेल्थ में 10वें नंबर पर हरियाणा। जिस हेल्थ का ये जिक्र करते थे, मेडिकल कॉलेज खोल लेंगे, ये करेंगे, डॉक्टर करेंगे, इस मेडिकल कॉलेज के 10वें नंबर पर जो है हरियाणा रहा है। और मैं अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं 75वां, आज तक जो पोर्ट ब्लेयर से मिट्टी लाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं हर स्टेट जिले, इस जिलों में 200-250 के करीब INA के सैनिक हैं जो हरियाणा के, उनके घरों का भी नहीं पता कौन है, कहाँ है, उनके घर परिवार कैसे रह रहे हैं, तो ये इनका पता लगा। असली तो अमृत महोत्सव जब हो, जो आज़ादी जिन्होंने दिलाई थी उनको जो है उनके घर वालों को पता लगाए। अब मैं मेडिकल की बात है, सबसे जो पुलिस का मामला है, गृह विभाग का मामला है, इसमें जो बजट में दिया गया है, कल क्या बजट में जो है जो इंक्रीज किए गए, सबसे कम इंक्रीज। आज पब्लिक सेफ्टी खतरे में 11% 11.25% इंक्रीज किया गया है, जो कि औरों में को 30% है, को 40% को 100% है। क्या पब्लिक सेफ्टी जरूरी नहीं है? पब्लिक हेल्थ के लिए कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रदेश के लिए पब्लिक हेल्थ, सरकार पब्लिक हेल्थ पर पूरा है। मैं एक सवाल पूछता, मुख्यमंत्री जवाब दें, कितने मेडिकल कॉलेज हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो CMO उसमें है, हॉस्पिटल हैं, उनमें किस में कार्डियोलॉजिस्ट है, किस में ऑन्कोलॉजिस्ट है, किस में न्यूरोसर्जन है, ये रिपोर्ट ये दें सदन को, बताएं। अगर हेल्थ की जो इतनी चिंता करते, कहाँ कहाँ ये जो है मेडिकल ऑफिसर कार्डियोलॉजिस्ट लगाए हुए, इसकी जानकारी दें। ये क्या क्या हो रहा है जी? टाइम हो गया जी, ये बंद कर दिया, बंद कर दिया। 5-5 मिनट दे रहे हैं, अभी आपको दे दिया मैंने, ये टाइम भी आपको दे दिया, आप और किसी को दे नहीं तो नहीं, एक बताए नहीं सर, एक बात सुनो, मैं अपनी बात नहीं करता, एक बात सुनो, हम पूरा साल इंतजार करते, बजट सेशन आएगा, बोलो, मैं तो कह रहा हूं लोगों की बात कहेंगे, लोगों की बात रखेंगे, और इस ढंग से व्यवहार किया जाएगा। एक मैं तो सब सदस्यों के लिए कहता हूँ, अपनी बात सबको रखनी चाहिए, टाइम बढ़ा दो टाइम, लेकिन इस ढंग से एक विधायकों के साथ में बात, देखिए अगर मुझे कोई बड़ी जाति कोई हो नहीं सकती, मुझे कोई सारे साल में एक सारे साल में 5 मिनट भी बोलने का मौका, मलिक साहब एक बार सुनिए मेरी बात, सुनिए ये क्या, आप इसे सब बंद कर दो इसको, नहीं मैंने पहले भी कहा था 3 मिनट में नहीं बोलूंगा, सुन तो लो, बाद में 3 मिनट की बात करते हो, मेरी बात तो सुन दो, अगर 5 मिनट का समय कम है, नहीं आप बढ़ा दो सेशन का दिन, बढ़ा दो कम से कम बात तो करने दो, सारे आज की सिटिंग एक और बढ़ा दें, अपने अपने हल्के की बात, लोग इंतजार करते हैं, लोग इंतजार करते हैं हल्के की क्या बात, एक सिटिंग और बढ़ा दें आज, नहीं ये कोई तरीका, बढ़ा दो आप तो 10-10 मिनट में चलेगा काम, हाँ मेरी देखिए एक आधेगा ज्यादा भी कर दो, ना ज्यादा का नहीं है, मेरे पास तो एक ही रूल है आपके लिए, 10 मिनट का करते हैं आज की सिटिंग, सेकंड सिटिंग कर लेंगे, अरे ईव काउंट करो जी, 12:34 में ना, आप 2 मिनट दो मिनट कहाँ गए, 12:34 में काउंट करेंगे ना, 12 बोल, 1 मिनट जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसके बारे में जो सीटिंग बढ़ाने में प्रस्ताव करें जो, हम तो अपने आप ही फैसला करें बैठे बढ़ानी अध्यक्ष महोदय, ये सारे सदन की इच्छा है कि बजट अनुमानों पर चर्चा में सभी सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिले। आज दोपहर भोज का प्रावधान पंडित नीरज शर्मा विधायक द्वारा हरियाणा विधानसभा सचिवालय में किया गया है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि
आज सदन की दूसरी बैठक भी बुला ली जाए और आज की पहली बैठक दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी और दूसरी बैठक 2:30 बजे शुरू होगी और 6:30 बजे तक स्थगित होगी और आज की दूसरी बैठक में प्रश्नकाल नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सामने आज द्वितीय बैठक का प्रस्ताव रखा है, यदि सदन की सहमति हो तो इसको स्वीकार के लिया जाए। ठीक है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है। जीरो आवर काल अटेंशन मोशन है, सीए है, सीए है ना लगा हुआ, काल अटेंशन लगा हुआ नहीं, सीए लगा हुआ है। जिस दिन सीए होगा उस दिन वो जीरो आवर नहीं हो पाएगा। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, जो ये बजट आया है इस पर कैसे एतबार किया जाए जब इसमें काम दिए वो पूरे होंगे, क्योंकि पिछले बजटों का जो तजर्बा है वो ये कहता है कि ये भी खोखला बजट है, इसमें कुछ नहीं रखा। आप पहले बजटों में किसान की आय दुगने की बात कही थी और उसमें ये कहा था 1922 से पहले दुगना करेंगे, 1922 तो आ गया, क्या किसान की आय दुगनी होगी? 2022 सॉरी, ठीक है, यू आर राइट। और नरेला से कुंडली तक इन्होंने वायदा किया था 2015 में नरेला से कुंडली तक मेट्रो आएगी। एक एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं कि इसमें मुख्यमंत्री जी जरूर जवाब दें, क्योंकि जब जवाब देंगे तो कि लोहड़त में मेरे हलके में ट्रिपल आईटी बढ़नी थी, हमारी सरकार ने क्लासेस शुरू कर दी थी कुरुक्षेत्र में, ये बताए आज तक 7 साल में उसकी नींव भी भरी गई हो तो ये बता दे क्लियर कर। एक सोनीपत में साइंस सिटी का जिक्र आया पहले बजटों में, क्या सोनीपत में साइंस सिटी कहाँ बनेगी कैसे बनेगी इसका भी जवाब दें। जींद से हांसी की 150 किलोमीटर रेलवे लाइन, सराय काले खां से रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर करनाल तक का, मनेठी में एम्स की बात बहुत होती है, यहाँ ये मनेठी में एम्स का क्या स्टेटस है, क्या वो बढ़ चुका है या उसकी नींव रख दी गई है ये भी बताएं। बहादुरगढ़ से सांपला की मेट्रो का क्या हाल है, कौन से काल तक ये मेट्रो बन चुकी है इसका भी जिक्र करें। मानेसर में ग्लोबल सिटी कहाँ बनने जा रही है ये भी बताएं। पंचग्राम प्राधिकरण कुंडली माने 5 गांव बसाने थे, कितने गांव बस गए वहाँ पर, कितने शहर बस गए 500 में से, ये बताएं कि उन पर कहाँ टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया। और तीन जो है स्मार्ट सिटी बननी थी, 2 और ऐड कर दी, हिसार और पंचकूला, 3, क्या तीनों स्मार्ट सिटी बन गई? लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट जब मीटिंगें हुई उसमें तो ये था कि इस पर काम बहुत धीमे चल रहा, काम ही नहीं चल रहा स्मार्ट सिटी पर, इसको तेज करा जाए। अब इसमें गन्नौर में हॉर्टिकल्चर मार्केट में 2400 करोड़ रुपए खर्च होने थे जो सरकार ने कहा, उनमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ये सरकार बताए। गन्नौर सफाई आयोग का गठन कई उसमें बजटों में उसमें आया है, क्या सफाई आयोग का गठन हो गया? 7 स्टार विलेजेस की योजना कहाँ गई? डेयरियों को शहर से बाहर निकालने का प्रोविजन शुरू से था, किस किस शहर में डेयरी बाहर निकाली गई, कहाँ पर वो बनाई गई है? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जिक्र आया कहीं आपके 20 बार, उसका तो वैसे झगड़ा पड़ा हुआ है, उसका पता ही नहीं कहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा। सब्जी मंडी में महिला को 10% वो कहते जगह देंगे, तो वो कौन कौन सी मंडी में किस किस महिला को जगह मिली उसका भी हमें डिटेल दें। लड़कियों के लिए मिनी बस, इलेक्ट्रिकल बस, पता नहीं क्या क्या चलाने की योजना थी, कौन कौन से शहर में कहाँ कहाँ लड़कियों के लिए ये इलेक्ट्रिकल बस को चली भी है कि नहीं, इन सारी बातों का जवाब सरकार दे। मेवात कैनाल फीडर एक नया रिवाज है, 2 बार पत्थर रख लिया ना, 2 बार पत्थर रख लिया, कोई एक भी कस्सी लगी हो? अरे ये नहीं, ये तो सोनीपत में भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, इसमें सीओ में, इसमें मेडिकल, इसमें नागरिक हॉस्पिटल में,
दो बार ऑक्सीजन का, बेंजी भी गई थी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने, दो बार हुआ, एक सिलेंडर नहीं भरा हुआ, कोई होया तो बता दे, एक दो बार हुआ उद्घाटन तो खेड़ी गुजरान में 120 बेड के हॉस्पिटल का क्या हुआ, यूनानी हॉस्पिटल। आप आवारा पशु मुक्त करने का 7 साल से अभियान चला हुआ है, हो गया सारा हरियाणा, सब लोगों को पता क्या कहा गया था। एक लाख एकड़ बंजर जमीन को रिक्लेम करने का बताएं, ये तो कुछ तो करी होगी, 1 लाख 10 एकड़ भी करी हो ये बताएं कहाँ करी है। 100 लाख 10 लाख 20 लाख विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्ड बनाएंगे, कितने का बढ़ा है। गोत्रान भूमि का कब्जा मुक्त कराएंगे, और मसाला मंडी, फूल मंडी, सेब मंडी, ये जो है रोजाना रोजाना मतलब हर बजट में, हर गवर्नर एड्रेस में इसका जरूर जिक्र आता है, ये बता दे किन किन को दुकान लौट होली वहाँ 7 सालों में, कोई बता दे। और मंत्री जी चले गए, इनके यहाँ भी एक मिल्क प्लांट खुलना था शेरला का, बीच में क्यों बोल रहे हो? आप लिख के दे दो, आप बैठो को बैठ, कौन सारे बैठे हैं मंत्री, कितने बजे बैठे? मंत्री जी चले गए, उपाध्यक्ष महोदय ये मंत्री जी चले गए, उनसे पूछना चाहता हूँ, इनके हलके में दो प्रोजेक्ट थे, एक लग रहे मंत्री जी अंदर, एक भेड़ बकरियों का सेंटर बनाना था इनके में लोहारू में, वो बन गया क्या मंत्री जी बता दे। इनके उसमें शेरला में एक मिल्क प्लांट लगाना था, पत्थर लगा रखा है, कितने साल से पत्थर लगा रखा है, अभी तो शुरू भी नहीं है जी, तो अभी तो 10 मिनट की बात हो गई थी। सवाल पूछे हैं मैंने तो, सवाल ये भ्रष्टाचार कर रहेगा सारा, नहीं अगर टाइम बढ़ा दिया आपने, नहीं उससे अलग होगा, टाइम बढ़ा उससे अलग होगा, नहीं नहीं 28 से ये आप 42 लगा लो, बीच में 10 मिनट 4 मिनट काट दिए ना, एक काम किया है, ये बहुत बातें हैं, एक काम जरूर किया बीजेपी सरकार ने, ये लार दौड़ की रेल कोच फैक्ट्री ले गई, यहाँ से बनारस गई, मैम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया, जेवर गया, दादूपुर नरोई नहर का निर्माण बंद कर दिया, आसी पुटाना नहर का निर्माण बंद कर दिया, BBM की मेंबरशिप खत्म करवा ली, और जो 10% आरक्षण था महाजन पंडित वगैरह का, ये खत्म कर दिया, दौड़ी खत्म कर दी, नंबरदारी पट्टा खत्म कर दी, गरीब लोगों के 200 गज के प्लाट खत्म कर दी, सरकारी पशु बीमा योजना खत्म कर दी, सेल्फ के ट्यूबवेल के कनेक्शन खत्म कर दिए, खेलों में जो नौकरी मिलती थी वो खत्म कर दी, बुजुर्गों के पेंशन काट दी, और इसने जो राजीव गांधी सड़क हादसे में गरीब आदमी को 1 लाख रुपये मिलता था वो खत्म कर दिया, प्राइवेट JBT सरकारी JBT थी वो भी खत्म कर दी, JBT नहीं कर सकती, और पैसों का या किसान मर जाता था, दुर्घटना हो जाती थी, 5 लाख रुपये था, 50,000 भैंस का था, वो सारा खत्म कर दिया, और पशुओं की प्रतियोगिता, एक किसान की आय बढ़ाएगी, पशुओं की प्रतियोगिता में जो है अब दूध की वो खत्म कर दी, 10 किलो 12-15 किलो वाली सारी प्रतियोगिता खत्म, ये बहुत सरकारी, गरीबों का राशन भी खा गई, गरीबों का राशन भी खा गए, तेल भी बंद, अरे मलिक साहब कोरोना तो सबको फ्री दिया है, नहीं मेरी एक बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार की एक पॉलिसी है बीजेपी सरकार की, रोजगार बंद, भ्रष्टाचार का प्रबंध, जो ये कहते ना रोजगार नहीं भ्रष्टाचार है। अब आप देखिए, मैं दिखाता हूँ ये क्या, ये किसानों को ये कहते बीज से बाजार तक हम किसानों के साथ खड़े हैं, बीज का 526 करोड़ का घोटाला भी ताजा, ये किसानों के साथ जाती है, 526 करोड़ किसानों की खा गए 526 करोड़। इसके अलावा एक ये मैं देता हूँ, ये कहते हैं मुख्यमंत्री ईमानदार इंक्वायरी कराएंगे, जांच कराएंगे, ये ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस रखता हूँ, ये मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, बाकी फ्लोर ऑफ द हाउस रख दो आप सारी चीजें, दो तीन बातें रखूंगा जी मैं, ना सारी चीजें रख दो नहीं अब ज्यादा टाइम, अब यूं नहीं, और की बात है साहब, 10-10 मिनट का समय तय हो गया सबका, तो 6 लाख का एक गांव का गबन है किसानों का, 6 लाख पीगे, ये
कपास टेबल कर दो आपको बात। नहीं ये कपास का ये ऑनलाइन पेमेंट है और ये गिरदावरी है, दोनों को देख ले एक ये करके। अब ये गरीबों का 20-30 हजार के करीब फर्जी राशन कार्ड 30 हजार ये फर्जी लिख रखा है और ये ऐसे 30 हजार बाकी सारी चीज आप नहीं मैं टेबल कर दो बाकी कोई बात नहीं। मेरे पास सीडी है, मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, ये सीडी है इसमें 178 वो हैं जिनके फर्जी राशन कार्ड है और इस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मैं कहता फ्लोर ऑफ द हाउस कम से कम 20 हजार से ज्यादा ऐसे फर्जी राशन कार्ड। धन्यवाद। एक महीने का 1.5 करोड़ रुपए का मामला है। इसके अलावा होगा टाइम होगा मलिक साहब, ऐसे नहीं आप टेबल कर दो जो बहुत चीज आपने होगा मलिक साहब। अब उनका मैंने उनका नाम बोल दिया अभी कितनी देर पहले एक मिनट मैडम डीसी रेट का विधायकों को स्टेनो का प्रोविजन है कानून में और जो स्पीकर साहब ने हाँ भी भर ली थी, चिट्ठी लिखी जी चिट्ठी आ गई बंद कर दिया। ये इसके लिए तो बंद हो गया विधायकों के लिए, लेकिन ये मैं लिस्ट देता हूँ 32 लड़के जो 5-6-10 साल से नौकरी कर रहे थे 28-9 से पहले, इनके नाम इनको हटा दिया गया। उसके बाद कोई अक्टूबर में हटाया है कोई जनवरी में हटाया है, इन 3200 को हटाएगा और ये जो है 32 नए लगा दिए। इनसे कम से कम 1-1.5 लाख के जैसी जॉब थी वो लिए गए 1.5 लाख के। और ये जो न, ये कहते ना इनके पास ये रिकॉर्ड है हाजिरी का, ये हाजिरी का रिकॉर्ड है, उन लोगों की हाजिरी है बात तक की। और इनकी तनख्वाह सितंबर महीने की तनख्वाह इन नए आदमी को जो बाद में लगाए अक्टूबर नवंबर में लगाए हैं उनको दे दी, इनकी तनख्वाह भी नहीं दी, तनख्वाह भी दूसरे खाते में और 1-1.5 लाख रुपए लगा। आप टेबल कर दो बाकी जो कोई भी चीज आपकी लिखी हुई आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी। रिकॉर्ड में दूंगा मैं रिकॉर्ड आज। मैं ये पूछता सरकार से कोई जिम्मेवार है सरकार में जो इसकी इंक्वायरी कराने की बात कहता। हाँ जी कौरपाल जी कौन जवाब दे देंगे मंत्री हो इंक्वायरी इसकी कराओ, गरीब बच्चे हैं इनके दर दर की ठोकरे खा रहे, कई कई बच्चे इनके बालकों कैसे पढ़ाओगे, करवाओगे इसकी इंक्वायरी की। धन्यवाद भी लगा धन्यवाद मलिक साहब थैंक यू। एक और है जी एक और घोटाला है। आप बैठो प्लीज बैठिए आप बैठे होगा। माननीय सदस्यगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थीगण तथा स्टाफ उपस्थित है, मैं सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सुभाष सुधा जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 2022-2023 के बजट सत्र पर बोलने का मुझे अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये कहूंगा कि आदरणीय हमारे वित्त मंत्री व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये तीसरा बजट पेश किया है, किस प्रकार से सारी संस्थाओं से सभी विधायकों से और सभी सांसदों से सुझाव लेकर इस बजट को आज प्रेरित किया। मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी महामारी के कारण फिर भी सबके व्यू लेके बजट को पास किया और अडोक जो कमेटी बनाई उसके अंदर भी मैं कहूँगा पहली ये पहल की है और अडोक कमेटी के अंदर हम लोग मेंबर थे, उसके अंदर एक देखने वाली बात थी कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला किस प्रकार से मैं कहूँगा हमारी हरियाणा सरकार पूरे देश के अंदर पहली सरकार है जो ओवरड्राफ्ट नहीं लेती। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने जब देखा हमारे डिपार्टमेंट के साथियों ने बताया आदरणीय स्टीवन प्रसाद जी हमारे एसी साहब आए हुए थे, पूरा डिपार्टमेंट था, देखने वाली बात थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरे इंडिया के अंदर अगर कम ले रहे हैं तो हरियाणा सरकार पर पैसा ले रही है उस पर, तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि हरियाणा सरकार के द्वारा। छोटी छोटी बातों को और भी बहुत चीज़ें देखने को मिली। इसी के साथ मैं कहूँगा कि
इस प्रावधान में मैं कहूँगा मेरे लिए क्षेत्रा का बहुत धन्यवाद करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सर्वप्रथम, जिसकी मैं बहुत दिनों से आवाज़ उठा रहा था, बाईपास पास का भी हमारा प्रधान क्षेत्र का रखा गया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रा एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर मैं कहूँगा आदरणीय मंत्री जी बैठे, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर बैठे हैं, बहुत ही है, लेकिन इस बजट में भी 205 करोड़ रुपये थीम पार्क के लिए आपने दिए, आपका और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत दिल की धन्यवाद। बजट के अंदर हर चीज़, हर पहलू को लेकर मैं कहूँगा किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर रखा। महिला शक्तिकरण, जिस प्रकार से मैं कहूँगा राज्य स्तर पर जो भी हमारी बेटियों ने कोई उपलब्धि ली है उसको 5 लाख रुपए का जो एक आदरणीय सुषमा जी के नाम से उपहार देने का जो एक रखा कार्यक्रम, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह महिलाओं को जो मिले हैं प्रमाण पत्र के तहत जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उन्हें 3 साल के लिए 7% पर इंटरेस्ट ऋण देने का जो कार्य किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण, किसानों को 14 फसलों पर MSP देने का जो किया करिए, ये पूरे हिंदुस्तान में पहली भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार है जिसने पहली बार ऐसा 14 MSP दिया। दो घंटे की मूवी के लिए रेटिंग देख